हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर माना होती, जमाने में मुक्ता की कीमत ना होती, अगर माना होती, अगर तुम ना होते। एंजॉय किया, एंजॉय किया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हालांकि वहाँ मॉर्निंग का है, इतना कभी मॉर्निंग में होता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उन लोगों का कुछ लाइव कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो सुबह सुबह की उनको परमिशन मिली है वहाँ। मैंने आपको ऐसा, ये लड़की भीगी भागी सी किसी ने कहा टाइम है आपके पास? एक लड़की भीगी, अरे सर कहाँ टेढ़े टेढ़े गाने गवा रहे, वैसे छोटा मोटा कोशिश कर लेता हूँ। ये गाना अगली बार गाएंगे। चलिए किशोर कुमार पैदा होते हैं आप? जी किशोर कुमार, आप किशोर कुमार ही तो हो। अरे नहीं सर, मैं कहा उनके बदल के, अरे नहीं सर, मैं उनके पैरों की धूल का जर्रा भी नहीं हूँ, मैं तो कोशिश कर लेता हूँ बस, दिल बहल जाता है लोगों का, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और आप लोग तो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर आपने तो मेरे लिए माता जी के लिए जो पीछे किया है उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आभार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए एनी टाइम सर, कभी भी मेरे लाइक जो भी सेवा होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं जो भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ आपके लिए, कभी मना नहीं। चलिए, एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है और आशा करता हूँ पसंद आएगा। जीतू साहब है और फिल्म परिचय से है ये गाना, एंजॉय कीजिए। मुसाफिर यारो, ना घर है ठिकाना, मुसाफिर यारो, ना घर है ठिकाना, चलते जाना है बस चलते जा, मुसाफिर यारो, ना घर है जाना।
11:30 साउंड चेक करना है फिर मुझे 12:15 बजे वहां आना है। तो आप लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं? सर मैं माफी चाहूंगा, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं? खूब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को कि मैं बहुत पुराने ओल्ड गाने गा रहा हूँ, लेकिन क्या कि पुराने गानों में सुकून बहुत है, चैन बहुत है। वो हम्मा अम्मा भी गा सकता हूँ मैं, वो सब गा सकता हूँ जो आजकल के गाने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सुकून होना चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स को जब प्रेजेंट कर रहे हैं हम कोई चीज, तो सुकून वाली करनी चाहिए। क्या सर गलत बोला मैंने, सही बोला? क्योंकि डॉक्टर अगर देखा जाए तो आज की डेट में क्या हमेशा से भगवान का दूसरा रूप है। तो आप सबको फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम, नमन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बहुत खूबसूरत सा गीत राजेश खन्ना साहब है, शर्मिला टैगोर, चिंगारी कोई बढ़के। एंजॉय करें एवरीवन। ना जाने क्या हो जाऊं,
जाने हम क्या कर जाते, न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, बीते तो जिंदा है मर जाते, दुनिया प्यासा रखे तो मेरा प्यासाए, मदिरा जो प्यासा रखे उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक गुप्ता जी की माता जी। जी जी हाँ, आप बोलिए पहले बोलिए। नहीं नहीं, मैं सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम भाई, इतना आप लोग सुन रहे हैं और क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ ऊपर नीचे हो जाए। जी मैं जी जी बताइए, आप गाना सुनाएंगे या मैं यूट्यूब लगाऊं, अपने मदर पे बोला था मैंने। हाँ लगा सकते हैं सर, मैं एक साउंड मुझे चेक करना है, दो मैसेज आ गए सर, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुनेंगे हमारा यूट्यूब की नहीं सुन पाएंगे? हाँ मैं 5 मिनट सुनूंगा, आप सुनाइए, लगाइए प्लीज। यूट्यूब लगाया मैं म्यूट कर देता हूँ, सॉरी। रिवार करते रहे, मामूली का दिल की बात द्वार को करता हूँ, लेकिन आज स्पेशल मैं माँ की महत्वता, इम्पोर्टेंस और मदर की, ये सारी आ रही है कि माँ किसी के जीवन में माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, मदर कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और ये उन्हीं को पता लगता है जो साथ रह रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जो देश है, हमारा देश 135 करोड़ की आबादी वाला, उसमें अभी भी न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज हैं। जॉइंट फैमिली मतलब जहां पे आपके दादा दादी और बाबा बाबा साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चला जा रहा जमाना। आप यूरोप अमेरिका में देखिए तो लगता है 15 साल 18 साल का होता है, वो माँ से अलग नहीं लगता, माँ बाप से। पर तभी की बात है सर, आपको पता भी नहीं होगा ये बात कि यूरोप में, अरे खत्म कुरान है, वो कोशिश करता है कि अगला अपना अपना चाहे इसकी शहर में अलग मकान देते हैं। देखिए वो तो अलग बात है कि हमारे सिस्टम नहीं है, अच्छी बात है सिस्टम नहीं है। कई ऐसे ट्रेजेडी भी हुई है, रिसेंटली हुई, नाम नहीं लूंगा, कि अगर साथ में फैमिली के साथ रह रहे होते तो शायद ट्रेजेडी ना होती, जो आज का टेलीविजन बहुत ज्यादा बोल रहा है विदाउट नेमिंग ऑफकोर्स ना योर डिस्ट्रिक्ट। तो माँ की महत्ता बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि पिताजी नॉर्मली फादर गोज आउट ऑफ द हाउस। आशा मंदिर से आई है वाटर पंप की तरफ, वाटर पंप से उल्टा है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, चौरंगी आई थी क्रॉस की थी, कहिए कि मेरी मेरी कि मेरी माँ साथ रहती, कहिए कि मैं माँ के, हम माँ के साथ रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मत कहिए कि मेरी माँ मेरे साथ रहती है, एक्चुअली हम माँ के साथ रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घर में चाहे कितने लोग हो लेकिन माँ ना हो तो खाली खाली ही लगता है, बहुत बड़ी बात है। घर में चाहे कितने लोग हो लेकिन माँ ना हो तो खाली खाली लगता है, मांग लू ये मन्नत कि फिर जहां मिले यही जहां मिले, और फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। मांग लू ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले और फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, और उससे बड़ा भी हो तो भी बताना। देखिए माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, और उससे बड़ा भी कोई शब्द हो तो बताना। तो ये माँ पे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, और एक जो बहुत ही डायलॉग इम्पोर्टेंट डायलॉग रहा है, और हम लोगों ने पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन की जो सुपरस्टार राजेश खन्ना के बाद, तो ये जरूर डायलॉग सुनना जरूरी है। फिर सुनिए, तुम कह रहे थे और नहीं खा गया, पहले बार मिल गए
तो ये बड़ा फेमस डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, जब शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म में I have crippling depression. तो अभी आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मैसेज है हैप्पी मदर्स डे पे, रूह के रिश्तों को ये गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाए, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ, हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाए, जब मुसीबत आ जाए तो माँ आती है तो याद आती है माँ। लोग बोलते हैं जन्नत से खूबसूरत कुछ नहीं, शायद उन्होंने कभी अपनी माँ को खुल के हंसते हुए नहीं देखा। लोग बोलते हैं जन्नत से खूबसूरत कुछ नहीं, शायद उन्होंने कभी अपनी माँ को खुल के हंसते हुए नहीं देखा। माँ भगवान का दूसरा रूप, अभी लोग हम लोग आजकल कोरोना में है, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि भगवान का रूप डॉक्टर होता है, मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं, माँ भगवान का दूसरा रूप। माँ की दुआ वक्त को तो क्या नसीब भी बदल देते हैं, माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देते हैं, माँ की दुआ हालातों के आगे जब साथ ना जुबा देती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, तो सिर्फ माँ होती है। हालातों के आगे जब साथ ना जुबा देती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, तो सिर्फ माँ होती है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। मौत के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म देने के लिए केवल माँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेले ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, पर माँ अकेले ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इस तरह से, और एक बात और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा है माँ के ऊपर कि अगर बेटा घर से बाहर से आता है तो माँ हमेशा पूछती है बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। ये एक बड़ी बात होती है माँ के लिए, माँ के दिल में हमेशा बेटी के लिए ये प्यार बना हुआ है, खास करके हमारे भारत के जीवन में, हमारा देश महान है। और अपने प्रधानमंत्री जी की देखिए, उनकी माँ उनको अभी भी मिलने जाते हैं शायद साल में दो या तीन बार। तो इस तरह से माँ की ममता के बारे में कोई इसके ऊपर तो बहुत बोलने वाले हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो आज 12 सितंबर 2020 को मैंने कुछ दिल की बातें बताई हैं माँ के बारे में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या बात है, सभी के माँ को प्रणाम करता हूँ। और सर मैं इजाजत चाहता हूँ सभी से, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने संकट भरे समय में ठीक है। एक मिनट का यूट्यूब इसका बंद कर दूं, फिर आपसे दो मिनट की इजाजत है, यूट्यूब चल रहा है इसका, बस बस अब ये आ गए वापस आप जी। आई विल इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ पीपल हैव आर देयर स्टिल विद अस, हमारे मौसा जी हैं, ये इनको स्पॉटलाइट हमको सबको इंट्रोड्यूस कर दे दो मिनट में। यस 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 प्लीज। ये हमारे मौसा जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम आपको। और ये इंजीनियर है और पहले कानपुर में थे जेके इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर देहरादून, अब नासिक में। क्या बात है। और ये है फ्यूचर डॉक्टर तारिणी गुप्ता, ये समय गाजियाबाद में है, लखनऊ में है, एंड शी इज परसुइंग क्लास 11th, अभी 10th। क्या बात है, क्या बात है, ये डॉक्टर बनेंगे 2 साल के बाद से।
जी जी और बाकी लोग वीडियो ऑफ है, हमारे पाकिस्तान के दोस्त अगर दे दें तो आई कैन शो हिज फेस। अब्दुल राशिद खान साहब हमारे बड़े खास दोस्त है कराची से। क्या बात है, क्या बात है, उनका भी वेलकम है, स्वागत हो। मैं नहीं देख रहे हैं, हाँ ही इज देयर, आई विल शो हिज फेस, सो ही इज वेरी नाइस पर्सन। ये कराची के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है। वाह क्या बात है। दिल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। ठीक है, चलिए पाकिस्तान को मेरा सलाम बोलिए। आप लोगों भी हमारी तरफ से सलाम और खुश कामना है। दुआओं में याद रखिए, बस ये महामारी जल्दी से इस दुनिया से चली जाए। सही बात, बिल्कुल बेशक, दोनों को दो इसी में मुबतला है। हमारी भी कोशिश यही है कि आप लोग भी इससे फारिग हों और हम लोग भी इससे फारिग हो जाए। क्या बात है, क्या बात है सर। वेकेशन पर दो बार कराची जा चुका हूँ। अरे क्या बात है, अब किसे आपको लेके चलेंगे, प्रोग्राम करते हैं अपने विशाल श्रीवास्तव जी का। बस जैसे ही आप वीजा शुरू करवाएं हम बुलाएंगे आपको और फिर एक प्रोग्राम। शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिए और सबको सलाम बोलिए और ख्याल रखिए आप लोग अपना। बिल्कुल, आप लोग भी इससे ये दरख्वास्त, आप लोग ख्याल करें क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मसला आपके तरफ चल रहा है और पब्लिक दोनों की एक ही तरह की है। देखिए दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी का शर्तों का तो, शर्तों का तो ये हेर फेर है, मोहब्बत तो दिल में है ना हमारे। बेशक बेशक, उसमें कोई शक नहीं है। मैं गुप्ता को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, वेरी नाइस पर्सन, ये बहुत अच्छे इंसान है, दिल के है ना, दिल के डॉक्टर है ना, इसलिए दिल से प्यार करते हैं, दिमाग के डॉक्टर दिमाग से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। और सर से मेरी मुलाकात हुई थी और जब से हमारा सर का एक वो हो गया और मेरी माता जी को इन्होंने बड़ा हेल्प किया और उनको करोना बेसिकली वेरी नाइस मैन, इसमें कोई डर नहीं। वही डॉक्टरों का तो काम ही यही है कि उनके सामने मरीज आता है ना, बिल्कुल मरीज होता है इनरेस्पेक्टिव, वो कौन है, क्या होना है, कहाँ से है, अपनी जो भी मैक्सिमम एफर्ट होती है वो डॉक्टर लगाते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला भी छोड़ते हैं। मैं 2020 में दिसंबर में ओमान में था, तो राहत फतेह अली साहब इंडिया में तो नहीं आ सकते हैं, तो हम, मैं, जावेद अली साहब, राहत फतेह अली साहब पाकिस्तान से फिर वहाँ ओमान आए थे। जी जी। और हम लोग फंक्शन कर रहे थे चौरसिया फैमिली का। अच्छा। तो बहुत प्यार मिला, मैं फर्स्ट टाइम ओमान गया था, वहाँ ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान के लोग थे बहुत हेल्प किया मुझे। मैं तो सर आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरे लिए तो ना तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मेरे लिए बराबर है सब, क्योंकि सबके दिल में मोहब्बत है। मुझे बहुत प्यार मिला वहां से, बहुत मोहब्बत मिली। बस ये तो दिलों में नफरतें ना हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो। बात ये है कि हम डॉक्टर हैं, हम सिर्फ क्या नाम है मोहब्बतें बांटते हैं जैसे कि आप लोग बांटते हैं। बिल्कुल सर, दिल में मोहब्बतें बात होती है। जी जी, बात होती है। आज लैलतुल कदर है तो मैं गुप्ते के प्रोग्राम में नहीं बैठता, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमारे लहजे बहुत डिफरेंट है। हम देखे उसके प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, आई लव यू वेरी मच। अरे गुप्ता जी का जितना तारीफ की जाए जितना, मैं तो क्या है कि इनका तो रिलेशन खैर साहब सबके साथ है, बेशक सबके साथ मोहब्बत है इनकी। देखिए ये नहीं कह सकते कि मोदी जी से लेके चाहे वो अंबानी साहब हो, अमर सिंह साहब हो, चाहे इंडस्ट्री हर किसी के साथ, क्योंकि इन्होंने मोहब्बत बनाई है। अनु मलिक साहब हमारे, राजू श्रीवास्तव, अखिलेश जी, सब प्यार है। और हमारा भी, हमारा सौभाग्य है कि हमें भी इनके साथ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मौका मिलता है। जिस तरीके से ये पॉपुलर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, आगे प्रधानमंत्री यही हो जाएंगे। हिंदुस्तान के जितने डॉक्टर है ना, सब सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर स्टाफ हो गया, सब सपोर्ट करने वाले हैं। नहीं नहीं, ये बहुत पॉपुलर है, ये पाकिस्तान में भी पॉपुलर है और ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया दुनिया भर में पॉपुलर है। अगर दुनिया का कोई प्रेसिडेंट होता तो शायद अगला प्रेसिडेंट यही होता। यस यस, बिल्कुल। और ये बखूबी मतलब अच्छे एक प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि आएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टरों को मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के बनने का। आपके 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 क्या कहूं मैं, ये तो हमारे बहुत ही प्रेम भरी बातें कर दी इन्होंने। वैसे मेरा मन तो है कि कुछ काम किया जाए देश के लिए, वो इंशाल्लाह आप करेंगे, मुझे यकीन है। मैं कम से मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोई कुछ ना हो ना हो, आप मिनिस्टर तो जरूर बनेंगे। आप उस पर हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन लिख लीजिए, कागज में लिख लीजिए, यू विल बी मिनिस्टर वन डे डेफिनेटली, और मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी हेल्थ मिनिस्टर। यस यस, हेल्थ मिनिस्टर मेरे हिसाब से, अगर
देखिए मैं कहना नहीं चाहिए, हर्षवर्धन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर्षवर्धन साहब तो बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन आदरणीय विवेक गुप्ता जी को भी मेरे हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर इंडिया का बनाना चाहिए था। देखिए टीम बड़ा हो गया था। मैं एक बात कायलों के पता नहीं पॉलिटिशियन बात को ले, इन्होंने जो आदमी जिस चीज का अहल हो उसका उसको बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, उसी को बनाना चाहिए। वो हेल्थ को देनी चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री बुकला को देनी चाहिए, उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो सही तरीके से हिला चल सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ कि जो सबसे ज्यादा क्रीम होती है वो डॉक्टर इंजीनियर बनती है, नंबर टू होती है वो ब्यूरोक्रेट बनती है, और जो नंबर थ्री होती है वो पॉलिटिशियन होती है, वो सब पे रूल करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर होती है इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल आपसे मिलकर और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। ये तो खामो खुम में कुछ लोगों ने उस तरफ की और इस तरफ की बातें कर रखी है, मोहब्बत तो दोनों तरफ ही है, लगता ही नहीं है कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, ऐसा लगता है कि कहीं घर के आसपास बैठे हैं मोहल्ले में और बातें कर रहे हैं। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है, मतलब आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, बस मतलब ही नहीं है सर, हम कह भी नहीं सकते, हमारा कोई वो नहीं है कहने का, हक नहीं है हमारा। बाकी का सबको ऊपर वाला सलामत रखे, और मैं इस अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया से चाहता हूँ कि ये महामारी जल्दी से जल्दी चली जाए, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। मैं आपको बताऊं कि मैं सैनिक का जेल में अपनी जब भी दुआ होती है उस दुआ में सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल है। आप अल्लाह ताला आपको इस वबा को हम लोगों से दूर कर ताकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी दोबारा से गुजार सके। जी जी, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक चीज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, उम्मीद तो यही। आपको एक बात बता दें विशाल जी, ये डॉक्टर अब्दुल राशिद खान को मैं कराची गए हूँ उनके साथ, हमारे एम्स हमने करी थी 2010 में, जी जी करा, रोम गया, पेरिस में, सारी कॉन्फ्रेंस में एज ए फैकल्टी पार्टिसिपेट किया है जी। हम लोग ने एम्स्टर्डम में बात की चाचा जी, आपकी मोहब्बत है, आप मुझे बुलाते रहे और आपने मुझे बड़ी हर लिहाज से हेल्प की, क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि आपको मैंने फोन किया और वीरा जो है मैं घर पे आया था, दूसरे दिन में ऑनलाइन पहुंच गया था, तो ये आपकी मोहब्बत है। हमेशा तैयार रहते हैं, चार्टर प्लेन किया था यहाँ से हॉलैंड के लिए, एम्स्टर्डम के लिए, बोइंग 777 इंडिया। आपने चार्टर किया था, मैं अपने ऊपर आया था अपने कराची से, लेकिन दो दिन रुका था फिर आ गया था मैं, लेकिन बाहर आई लव हिम, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि रेस्पेक्ट देते भी हैं तो रेस्पेक्ट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ी लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, जितने भी इनके वेबिनार्स हुए हैं, जितने भी इनके प्रोग्राम हुए, इन्होंने सबको इक्वली इज्जत दी, और यही बहुत जरूरी बात है, मोहब्बत बांटते हैं मोहब्बत पाते। बहुत बहुत जीवन में सर कुछ नहीं रह जाता है, ना पैसा रह जाता है, सब चीज यही रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हमेशा रहती है और हमेशा जिंदा रहेगी वो आपकी मोहब्बत, आपका बिहेव, और कुछ नहीं रह, सब छूट जाता है, सब यही छूट जाता है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हो आप। बिल्कुल, ये मोहब्बत गुप्ता जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके साथ खड़े होने का मौका मिलता है, कॉफी पीते हैं सर के साथ, मैं दिल्ली में हूँ अभी तो दिल्ली इनके साथ सर के साथ बैठने का मौका मिलता है, बाकी का अच्छा लगता है कि एक फैमिली की तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया है और सब लोगों जी जी ही लव एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर मैं माफी चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा अभी के लिए, और दुआओं में याद रखिए और सबको मेरा सलाम बोलिए, फिर कहीं अच्छे बड़े से शो में गुप्ता जी जब मौका देंगे तो जरूर मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह, जरूर करना प्रोग्राम कराची में, बेहतर होगा, हमारे पाकिस्तान कार्यकारिणी की मीटिंग हर साल होती है, तो इंशाअल्लाह कराची में कहीं भी हो उसमें जरूर भी जरूर क्या नाम बुलाएंगे, और इस साल हम PHL जो कर रहे हैं उसमें जैसे मैंने बता दिया कि वर्चुअल में तो आपका नाम मैंने डाल दिया है कि आपका लेक्चर भी होगा, आपका सेशन का वो भी होगा, ये हम सितंबर में कर रहे हैं 21-23 तक, तो इंशाल्लाह ताला आपका एडमिटेशन मैंने पहले आपको दे दिया है, आप हमारे पहले एक्सपर्ट भी हैं और लेक्चर भी आप इंशाल्लाह देंगे, जैसे अगर हालात तो करेंगे मैं तो, अगर फिजिकल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर विशाल वर्चुअल तो होनी होनी, विशाल जी को लेके आएंगे फिजिकल जरूर इंशाल्लाह, जरूर जरूर, थैंक यू, आप मैं सबको मैं तो सबको समझ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, अल्लाह हाफिज़।
जी मीटिंग बंद कर रहा हूं मैं सर, इजाजत है? आप बिल्कुल बिल्कुल, यस यस इजाजत है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय हिंद जय भारत।